अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी फिट फाट। तो दोस्तों, अभी मुझे छुट्टी हुई है शॉप से, मैं अभी फ्री हुआ हूँ। ये हमारे देखो अभी शक्ल लग रहा है, अभी अभी फ्री हुआ हूँ। गनमैन खड़ा है, जाम साहब और ये भाई खड़े हैं। तो अभी हमें मुझे छुट्टी हुई है, तो अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको अब इफ्तारी वगैरह भी सब कुछ दिखाऊँगा। तो रहिएगा हमारे साथ। तो जी, ये नुमान भाई को मैंने कॉल की थी, नुमान भाई अब आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। हाँ जी नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? हाल तबीयत ठीक है? क्यों, क्या हुआ? बस पूल पे नहाने गए हैं। अच्छा, जैसे ही नहा के आए हैं और जैसे ही लेटे हैं और नींद आ गई। अभी आपकी कॉल आई और मैं उठा। मेरी दूसरी कॉल उठाई है आपने? हाँ, दुआ करो मैं उठ गया, नहीं तो मैं तो आज मर जाता। ना अल्लाह ना करे यार, जिसम में इतना दर्द हो रहा है। हाँ, आप कहाँ चले? अब चलते हैं उधर अहमद भाई के पास। आज उसकी दावत है ना? हाँ, उधर ही आप बोलना। और क्या, अब एक बंदे के घर में तुम्हें सामान करना। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ तो कभी कहाँ। हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, घूमना तो है और दोस्तों को भी टाइम देना है ना। और आप सुनाएं, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन सारा दिन ऑफिस में जैसे काम होता है मेरा, वही एंजॉय करते रहे। और चलो अब चलते हैं, आगे देखते हैं। तो जी ये देखें, अहमद भाई पानी बना रहे हैं यहाँ पर रोजा खुलवाने के लिए। अहमद भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो? पानी बना रहा हूँ रोजेदारों के लिए। रोजा इफ्तार कराओगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। नुमान भैया आप भी अभी से बैठ गए साथ? दिल कर रहा सारा अभी से नहीं, सबर करो, वेट करो, बस टाइम रहता है, बस 40 मिनट रहते हैं अब। तो ये देखें, ये अहमद भाई ने देख पकवाई है। ये तो जैसे जैसे माहौल बनेगा आपको दिखाएंगे, रहिएगा हमारे साथ। हाँ भाई, नुमान भाई पानी डाल रहे हो, पहले कम था क्या? पहले बहुत कम था, अब ज्यादा कर रहे हो। वहाँ ना, वहाँ आएगी नहीं, पिएगी नहीं। हाँ ये भी है, रोजेदार पानी ज्यादा पीते हैं। आपका बात सुने तो आप पूरा एक टैंक आप ही पी। हाँ मैं ये पूरी इस, आज तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, आज मैं ये एक ड्रम है क्या, ड्रम ही है ये पी लूंगा। ये पूरा टप है? टप टप नहीं, वो दूसरी नहीं, ये टप है। तो जी ये नुमान भाई रोजा इफ्तार करने के बाद बेहोश हुए पड़े हैं। हाँ जी नुमान भाई। जी भाई, क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ हुआ तो है, आप जो इतना लेटे पड़े हो। बस आज सारा दिन रोजा, इतना लगा ना पूछो। अच्छा आज रोजा लगा, बहुत था? बहुत आज, हमने गर्मी पे पता नहीं कहाँ कहाँ गए। अच्छा, बस फिर रास्ते में हमने रोजा इफ्तार किया, आप तो मजे से इफ्तार कर लिया आपने। हाँ क्या करते यार, आपका वेट किया तो है। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। हाँ तो फिर आप लेट थे ना, रोजा तो इफ्तार हो चुका था, तो अभी आप लेट थे, आपने कहा कि मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे। बस अल्लाह की मर्जी है। हाँ जी, अब ज्यादा आपने लगता है ज्यादा खा पी लिया है, लेटे पड़े हो। नहीं ज्यादा क्या खाया यार, पानी की बोतल पी है मैंने। सिर्फ पानी की बोतल पी है? सिर्फ पानी पिया, एक समोसा खाया जिससे अब जलन हो रही है पेट में। अच्छा, और अहमद भाई आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी इसके साथ इफ्तारी किया है। एक साथ थे? हाँ हम एक साथ थे, इसने भी समोसा खाया, मैंने भी समोसा खाया है। वो तो लेटा पड़ा है, आप तो माशाल्लाह। इसकी नियत खराब है। अच्छा। है, और समोसा तो मैंने भी खाया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पानी मैंने भी पिया है, स्टिंग भी मैंने पी है। अच्छा हाँ, तो फिर नियत इसकी खराब हो गई है कि ये लेटा पड़ा है? हाँ हाँ, बस इसकी नियत खराब है और कुछ भी नहीं है, कोई जलन वगैरह नहीं हो रही, सब ड्रामे बाज गया। नुमान भाई ये क्या बात है यार, आप झूठ बोल रहे हो? यार मैं झूठ बोल सकता हूँ, आपको पता है क्या? आप फरिश्ते हो क्या, आप नहीं बोल सकते? यार उसे जलन नहीं हुई, मुझे तो जलन हुई है ना, मेरा मैदा हीट कर जाता है। आपका हीट कर जाता है, उसने तो भी यही वही चीज खाई है जो आपने खाई है। आप कुछ नहीं बोल सकते, हाँ जवाब नहीं है। अब उसे भाई क्या, हम क्या कह सकते हैं? सही है भाई, सही है। इसकी जान देखो और मेरी जान देखो, मैं सिंगल पसली हूँ, डबल पसली है। हाँ ये तो है, आपकी जान बहुत कम है उसकी माशाल्लाह, वो तो खाते पीते घर का जो है, इसलिए
मेरे हिस्से का भी समोसा वही खा गया। वो कहता है आपने इसने अपना समोसा खाया था, हालांकि डील थी कि दोनों समोसे मैं खाऊंगा। इसने कहा था मैंने समोसा नहीं खाना, बाद में समोसा अच्छा लगा तो इसने खा लिया। लो जी आपका झूठ यहीं पर पकड़ा गया। भाई जान मैं झूठ नहीं बोलता, कौन हो आप? कौन हो आप? वाह जी वाह। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं चौक पर, ये देखें माहौल। रोजा इफ्तार करने के बाद यहाँ पर आप जमा होते हैं, गपशप करते हैं, तो फिर फ्री होकर ईशा की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर घर चले जाते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं चौक पर, तो ये देखें चौक का माहौल सन्नाटा हुआ पड़ा है, सब रोजा खोल के घर सोए पड़े हैं। चलो नुमान भाई एंड करें अपनी वीडियो का, आप एंड कर दो जी, मैं तो अपनी वीडियोस देख रहा हूँ। हाँ अपनी वीडियो देख रहे हो, वाह जी वाह। ये देखें ये जनाब अपनी वीडियो देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह आपके व्यू अच्छे आए हुए हैं यार, 510 पे आए हुए हैं। जी जी मेहनत जारी है। हाँ मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह आप भी टॉप करोगे इंशाल्लाह। हाँ जिसका नसीब अच्छा करे। हाँ नसीब की बात होती है, वैसे मेहनत भी आप करते रहो। तो दोस्तों अब हम अपना व्लॉग का करते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।